टॉपिक है, ये टॉपिक जेई एडवांस में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जेई मेन एंड नीट में पूछा जाता है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी एकदम, आपको क्या करना है, ये दोनों टॉपिक, बार मैग्नेट तो एकदम छोटा है जो मैं बता रहा हूँ, इतना ही बार मैग्नेट आपको करना है, बाकी कोई एचसीएल वर्मा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बार मैग्नेट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना करो। और इसके बाद का जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनसीईआरटी, आपके पास सबके पास है एनसीईआरटी बुक होगी ना, एनसीईआरटी नहीं होगी तो आपका एटलीस्ट अपने पास, आपके पास एनसीईआरटी का वो जो होता है ना, मतलब ऐप, ऐप के ऊपर आप पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। कुछ कुछ जो जो जेई मेन के टॉपिक होते हैं, जेई मेन एंड नीट में कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में से आते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चैप्टर्स के जो नाम बताऊंगा, जैसे सेमीकंडक्टर है और जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ मॉडर्न फिजिक्स का जो छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ था लास्ट का, वो भी आप एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे। मेरा यहाँ पे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी का ए टू जेड पढ़ने का, क्योंकि वैसा का वैसा क्वेश्चन वहां से आ जाता है। मतलब ये आउट ऑफ 25 क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एकदम ऐसे को ना देख के टिक, ठीक है, मतलब इन इवन नीट में ऐसे 5-6 क्वेश्चन नीट में भी ऐसे होते हैं कि जो देख के टिक मारते हैं, ठीक है, और ये सब इन टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम वापस बताता हूँ, दिमाग में रखो टॉपिक का नाम कौन सा कौन सा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब जो थ्योरेटिकली आधा घंटे में पढ़ाऊंगा उसको मैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर एंड कुछ हद तक कम्युनिकेशन थ्योरी, ये चार चैप्टर्स जो होते हैं एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक्स बोलते हैं इसको। ये चारों का चार टॉपिक में से अराउंड 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 3 क्वेश्चंस तो आने ही हैं जेई मेन में, नीट में अराउंड 5-1 क्वेश्चन आते हैं, तो ये एकदम ही सिंपल होते, टिक टिक मार्क कर आंसर आ जाता है बस। लेकिन एनसीईआरटी पूरा का पूरा ए टू जेड पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा पढ़ो, और ये मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, ये मार्क्स एकदम, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ये मिलना ही है आपको, ठीक है। तो अपने पहले पढ़ते बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखो, बार मैग्नेट ऑफिशियली अपने को मतलब वैसा देखा जाए तो है नहीं, तो बार मैग्नेट के कुछ कुछ टर्म्स जो अपने को काम में आएंगे। बार मैग्नेट होता क्या है, कभी भी जैसे मैग्नेटिक डायपोल, अपन जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, वैसे एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है, ये होता है मैग्नेट, ये अपन ने देखा हुआ है। अब बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ जो है, इसकी भी पीडीएफ दूंगा मैं। अब क्या होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे आता है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, ये कोई ये बेसिकली बार मैग्नेट होता है। बचपन में भी आपने देखा होगा, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी अपन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए, बार मैग्नेट लेते हैं बाहर पे आयन का, वो पीसेस रखते हैं, हिलाते तो बराबर प्रॉपर तरीके से वो ऐसा कुछ शेप का वो चीज बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये बेसिकली होता है ये बार मैग्नेट, जो इस तरीके से आपको ये फील्ड लाइंस दिखाई दी, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इस तरीके से अपने को दिखाई दी, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ के लिए। अब बार मैग्नेट जो होता है ना, अब तुम इसको कंपेयर करेंगे, देखो इसको ना मैं अभी कुछ 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 टर्म्स दूंगा, ठीक है, इसको मैं कुछ टर्म्स दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अपने को मतलब हम लोग जो पढ़ते थे यहाँ पे, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू के चार्ज के अंदर एक डिस्टेंस होता है, आप लोगों को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस को सेपरेशन, लेट्स से एल लिया मैंने, और प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का भी फील्ड लाइंस अपन ने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखती है, मुझे बताओ ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क है क्या इसमें, मुझे बताओ, सेम चीज है। यहाँ पे देख, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अपन क्या करेंगे ना, मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मतलब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जैसे यहाँ पे बोला ना मेरे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एक्चुअल में होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ जो चीज बोलने वाला हूँ वो एक्चुअल में होता नहीं, वो सिर्फ मैथमेटिकल वर्जन, मैं इसको बोलूंगा इस नॉर्थ पोल जो नॉर्थ जो होता है ना नॉर्थ, इस नॉर्थ को मैं बोलूंगा, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज में एक प्लस एम बोलूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते तो इस प्लस एम को क्या बोलते हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज। अब ध्यान में रखना ये मैग्नेटिक चार्ज नाम की कोई चीज एक्चुअल में होती नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये प्लस एम का मैग्नेटिक चार्ज लो, नहीं होता, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। वैसे इस साउथ को मैं बोलूंगा माइनस नेगेटिव, बेसिकली प्लस एम माइनस एम, ठीक है, एम हो गया माइनस एम हो गया,
गाइस अभी आवाज आ रहा है, एक कॉल आके गया मुझे, पता नहीं मैंने पिकअप नहीं किया, लेकिन आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर से गया सर, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो रहा है? नहीं, नॉर्मल अभी बराबर आ रहा होगा। हाँ बराबर, अभी बराबर है। तो अब ये हो गया प्लस एम, ये प्लस एम है, माइनस एम है, ठीक है। इसके अंदर का डिस्टेंस सपोज एल होगा, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस एल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू क्या होती है गाइस, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, राइट। तो वैसे यहाँ पे एक मैं टर्म डिफाइन करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मोमेंट, समझ में। उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, एम इंटू एल। इतना समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? अब ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ गाइस, जैसे प्लस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर, बराबर। सिमिलरली सेम नेचर का है ना, देखो सेम नेचर का मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो कभी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम चार्ज के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसको भी मैं क्या लिखूंगा, के के जगह, ध्यान में रखना यहाँ पे के क्या होता है, 1/4π ε0 ना, इस के जगह यहाँ पे आएगा μ0/4π, ठीक है, एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ध्यान में रखना, ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक है। और कभी भी ध्यान में रखना, एक प्लस एम चार्ज रहेगा तो प्लस एम के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या होगा, पेज के कहाँ पे होगा, सॉरी मतलब ऐसा रेडियली आउटवर्ड आ रहा होगा। माइनस एम के वजह से जो फील्ड होगा, और ये जो फील्ड होगा वो कौन सा फील्ड होगा गाइस, ये जो फील्ड है प्लस एम के वजह से, प्लस एम चार्ज, प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड रहेगा। माइनस एम के वजह से फील्ड कहां पे रहेगा, इनवर्ड रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना एक कंडीशन इसमें, मैंने जैसे बोला प्लस एम एंड माइनस एम अलग अलग इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं क्या, प्लस एम एंड माइनस एम कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, मैथमेटिकल मॉडल है, कभी भी प्लस एम एंड माइनस एम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, नॉर्थ, अपने बोला था ना मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल साथ में आता है, कभी नॉर्थ को अलग कर सकते, साउथ को अलग कर सकते हैं क्या, कभी आप देखा है अपना इसको काटा भी, मतलब नॉर्थ एंड साउथ को अपन ने इस मैग्नेट को सपोज काटा तो वैसे क्या होंगे, दो दो बार हो जाएंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, समझ में आ रहा है, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी आवाज कम आ गया क्या, आवाज कम आ रहा है क्या, अभी कम आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बेसिकली ध्यान में रखना प्लस एम एंड माइनस एम, कभी भी प्लस एम चार्ज एंड माइनस एम चार्ज, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन, दे एग्जिस्ट इन इन पेयर, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखना ये पेयर में ही आते हैं, प्लस एम एंड माइनस एम, जैसे ये आते, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लस, नॉर्थ को हम लोग बोलेंगे प्लस मैग्नेटिक चार्ज, नॉर्थ साउथ को बोलेंगे लोग माइनस मैग्नेटिक चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ में है, इतना समझ में है? अब मैं एक चीज आपको डिराइव करके दिखाने वाला हूँ, एक चीज आपको बता, डिराइव नहीं करूंगा मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा, ठीक है, और उसके बाद लिखो, रुको पहले मैं बताता हूँ उसके बाद लिखो। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे ना प्लस क्यू चार्ज लिखता हूँ और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिखता हूँ, और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो पी होता है। याद करो जरा, कोई भी डिस्टेंस आर पे, वेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, वेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सपोज इसके अंदर का ये लेंथ एल है, ठीक है, तो मुझे होता है when r is very very greater than l, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, के पी डिवाइड बाय क्या, r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos² θ + 1, याद है कि नहीं ये चीज, और पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होता था, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है, पोटेंशियल पॉइंट पी कितना होता है, कितना होता है, याद करो, kp cos theta by r square, r square, तो cos theta divide by क्या होता है, suppose r square, ये था basically ये किसके लिए था, electric dipole के लिए। तो मुझे बताओ जो magnetic dipole था, magnetic dipole मतलब क्या, इधर plus m charge रहेगा, यहाँ पे minus m charge रहेगा, तो plus m and minus m, और इसके अंदर का separation जो भी है l है, ठीक है, just जो अभी यहाँ पे इधर इधर जो p था, यहाँ का ये पी क्या है, यहाँ का पी क्या है, बेसिकली यहाँ का पी मतलब क्या, एम इंटू एल है ना, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो जो पी था वो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, विच इज एम इंटू एल,
यहाँ पे जो पी था, पी पी क्या था यहाँ पे, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या क्यू इंटू एल था, बस यहाँ पे जो के था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आया, उधर क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखना होता है, बाकी हर एक चीज सेम होती है, बाकी हर एक चीज सेम होती है। तो सिंपल यहाँ पे जो के था ना, तो यहाँ पे कोई पे भी मतलब मैं सपोज मैग्नेटिक फील्ड ढूंढू, ठीक है, इस पॉइंट पी पे और ये डिस्टेंस आर है, इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढू, डायरेक्टली वैसा का वैसा फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो जाता है, सिर्फ के की जगह क्या आएगा, के की जगह आएगा लेट्स से एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसको म्यू भी लिखते हैं, अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी के की जगह क्या बोल रहा हूँ, पी की जगह, सॉरी के की जगह क्या आएगा यहाँ पे, के की जगह क्या आएगा यहाँ पे गाइस, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, ये के की जगह आया, पी की जगह आया एम, डिवाइड बाय क्या हो गया आर क्यूब, ये अंडर रूट ऑफ 3 cos² θ + 1 वो तो वैसा का वैसा रहा इनटू, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है, सो मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना हुआ, मैग्नेटिक पोटेंशियल हुआ के पी बाय मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई एम, ठीक है, एम कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो गया आर स्क्वायर, मुझे होता है ये समझ में आया क्या तुमको मैंने जो लिखा है, सेम टू सेम चीज, ये हर एक चीज वैसी की वैसी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है, और ये होता है बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी बात है यार, जो प्लस एम एंड माइनस एम लिखा है ना, यही क्या होता है बार मैग्नेट में, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो पहले काम करो, ये दो चीजें फटाफट लिख दो, मतलब मैंने जो ये दोनों जो चीज लिखी है, बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल से बनता है, जिसको मैंने हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल को मैं प्लस मैग्नेटिक चार्ज बोलता हूँ, एस साउथ पोल को मैं माइनस मतलब निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ध्यान में रखना, इस पूरे जगह पे, पूरे जगह पे मैं यहाँ पे जो बॉक्स कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चार्ज क्यू था उसके जगह चार्ज क्या हो गया एम हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो के था के 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 को हम लोग क्या लिखते हैं, और के की जगह क्या हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाकी सब कुछ सेम, यहाँ पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोमेंट पी होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एम हो गई, समझ में, तो ये सेम टू सेम हर एक चीज वैसा का वैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हर एक चीज सेम लगता है तो रिजल्ट भी सारे सेम होंगे, इनके डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछते क्योंकि ये जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है, जेई मेन एंड नीट का टॉपिक है, तो डायरेक्टली रिजल्ट को याद रखो, ठीक है, अब मैं रिजल्ट को लेके कैसे उसको अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, पहले इतना लिखो, पहले ये पार्ट लिखो, ये पार्ट लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, आगे
गाइस लिख के हो गया, आगे का करूं मैं, ये वाला भी लिखो जरा, ये वाला भी लिखो। फिर एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या याद रखना है आपको, फाइनली क्या याद रखना है। और गाइज ये चैप्टर ना बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जेई मेन नीट में आता ही है, ठीक है? तो ये चैप्टर को निगलेक्ट नहीं करना है तुमको। ओके पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट देता हूँ मैं, पहले तुम ये वाला करो, इसको करो, मैं फिर पीछे वाला करता हूँ, पहले इतना करो। लिख के हो गया क्या, ये वाला हो गया, मैं लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है करो, लिखो लिखो लिखो, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, लिखो फटाफट। चलो गाइस हो गया नहीं हो गया भाई, पहले बताओ ज्यादा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, मैं इस चीज को थोड़ा सा आराम से क्यों पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि ये काफी लोग मतलब काफी लोग छोड़ देते हैं, मतलब मैंने भी ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं है, राइट क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या यश ये वाला चीज, ये पढ़ाया था शायद से पढ़ाया था ओके ओके ठीक है। तो जो भी है अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका भी उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका, और ये हो गया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो मेरा स्क्रीनशॉट, डन हाँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब गाइस क्या होता है कि जैसे मैंने बोला क्या आपको याद रखना है, ठीक है क्या याद रखना है मुझे पहले एक बात बताओ, ठीक है अभी क्या याद रखना है मैं आपको बोलता हूं। पहले ये होता है मैग्नेट, ठीक है अब ये जो कोई भी मैग्नेट अपन लेते हैं, मैग्नेट कोई भी मटेरियल का, उसको अपन उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, वो अभी आधे घंटे के बाद देखेंगे। अभी क्या करना है देखो, अभी मैं आपको बताऊं, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, कोई भी मैग्नेट अपन ने दे दिया। अब एक्चुअल में आप देखोगे किसी को एक चीज पता होगी, ये होती है इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ, इसको मैं लिखता हूं एल नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है जी एल ज्योमेट्रिक लेंथ। और एक्चुअल में नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होते हैं ना वो थोड़े से बीच में बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, कोई पहले तो बोल सकता है कि इसका ये ले, इसका ये एक नेचुरल नोन फैक्ट है मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ में कितना वो रेशियो कितना होता है उसका, पता है किसको नहीं पता, ठीक है तो ज्योमेट्रिक, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है इट इज 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है तो पहले तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगेन मैंने इसीलिए आपको क्या बोला है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक, छोटे छोटे थ्योरेटिकल चीजें जो होती है ना वो आपको एनसीईआरटी का वो पार्ट पढ़ के ही मिलेगा, तो एनसीईआरटी का आपको पूरा पढ़ना है, इवन एचसी वर्मा का भी थ्योरी पढ़ा तो भी चलेगा, एचसी वर्मा का भी थ्योरी पढ़ा तो भी चलेगा राइट। अब ये होने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने नॉर्थ पोल को बोला है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, इसको हम लोग बोले पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी प्लस एम चार्ज जैसे प्लस क्यू चार्ज अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या करते हैं प्लस क्यू चार्ज अपन बाजू में रख सकते हैं सेपरेटली, प्लस एम चार्ज को नहीं रख सकते, प्लस एम एंड माइनस एम दोनों मिलकर ही आता है, तो हमेशा मैग्नेटिक डायपोल ही चलेगा, हमेशा प्लस क्यू और माइनस क्यू सेपरेटली रख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये प्लस एम चार्ज बोला मैंने इसको, ये मैंने माइनस एम चार्ज बोला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसके ऊपर इस प्लस एम के ऊपर इस प्लस एम को सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। अब प्लस एम को मैंने सपोज एक प्लस एम को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, और ये जो फोर्स आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, सेम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू चार्ज, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया, ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, समझ में। प्लस एम के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माइनस एम के लिए क्या होगा, सेम माइनस एम के लिए क्या होगा, माइनस एम भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, इधर यहाँ पे माइनस एम होगा तो माइनस एम के ऊपर फोर्स कहाँ पे होगा, सेम चीज अपोजिट, मतलब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ सेम अपन ने कंपेयर किया है कि नहीं किया इसमें, सेम टू सेम हर एक चीज कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, प्लस एम अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लस एम और माइनस एम एक साथ आएगा, ये सबसे अंडरलाइन कंडीशन है, ठीक है इसको आप लोग को लिख के रखना कहीं पर। इसके बाद मैंने क्या किया, ये होने के बाद मैंने क्या किया, जो मैंने अब तक पढ़ा है उसका पूरा का मैं ये दे रहा हूं आपको, जिस दे रहा हूं, ठीक है। तो ये प्लस है मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, मतलब बेसिकली ये प्लस एम हो गया माइनस एम हो गया, इसको मैं लिखता हूँ प्लस एम और इसको मैं लिखता हूँ माइनस एम, ये जब साथ में आएंगे, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, ठीक है, कंपेयर टू जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसी केस में यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल दिया था, नेट मैग्नेटिक फील्ड, और जो जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जो अपन ने पिछले इसमें भी किया, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, चाहिए तो ये लिखते लिखते आप वो कर सकते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी के, मतलब क्या के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया, ठीक है। फिर मैग्नेटिक मोमेंट
विच इज एम, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट मैंने डिफाइन किया विच इज इक्वल टू एम इंटू एल। अब यहाँ पे और एक चीज में डिफाइन करने वाला हूँ, इसके पहले म्यू नॉट बाय फोर बाय एम डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, दिमाग में रख दो, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल भी अपने डिफाइन किया विच इज म्यू नॉट बाय फोर बाय एम बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये दो चीजें मैंने डिफाइन की। अब यहाँ पे और एक चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी जो आपको शायद से याद होगा कि कोई भी बार मैग्नेट, कोई भी करंट कैरिंग लूप भी किसकी तरह बिहेव करती है, मुझे बताओ। दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट आई है और जिसका एरिया ए है। सो करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव्स एज व्हाट, करंट कैरिंग लूप का भी बार मैग्नेट ना, इन दोनों का जो दोनों का जो फील्ड आता है, दोनों का फील्ड यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो दोनों का फील्ड कुछ ऐसी आता है कि नहीं आता दोनों का फील्ड, ठीक है। तो अब मुझे बता, वहां पे भी मैंने टर्म डिफाइन किया था, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने डिफाइन किया था किसके लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट मैंने ऐसा लिखा था ना, म्यू या एम लिखते हैं, और उसकी वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, करंट आई इंटू क्या ए, तो आई इंटू ए लिखा था मैंने। तो ये दोनों सेम है, तो कभी कभी ये वाला जो है ना ये भी काम में आता है, एम एल शुड बी इक्वल टू आई इंटू ए, बराबर ना, दोनों सिमी सही है ना, मतलब हाँ समझ लो सर। वो वी क्या है, हाँ क्या है, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल, किसने बोला व्हाट इज मैग्नेटिक, फाइंड मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बताओ ये समझ में तुमको जो इतना लिखा हुआ है, वॉट इफ, वॉट इफ, अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वॉट इफ दिस इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन एन, आप समझ रहे हो, वॉट इफ दिस आर इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कि आर बहुत बड़ा नहीं होगा एल से, तो क्या करना पड़ेगा सर, वो जो नॉर्मल दोनों पे अलग अलग लगेगा ना, प्लस एम से भी माइनस एम, अपन याद है अभी यहाँ पे, यहाँ पे देखो केपी बाय आर स्क्वायर, जैसे यस यस यस, मतलब कैसे करना होता है आपको, आपको पता ही है कि मतलब जैसे अपन ने आपको मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पर लेकिन वही है कि अच्छा एकदम अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि जे एडवांस में ही नहीं, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बनने का, एकदम अच्छा क्वेश्चन बनने का चांस नहीं आता। जे मेन एंड नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मैंने सब ये छोड़ो, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसके दोनों का अंदर का सेपरेशन सपोज एल है, और मैंने बोला इस सेंटर से L डिस्टेंस पे मुझे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं बताओ, इसमें माइनस क्यू की वजह से एक और प्लस क्यू की वजह से एक के क्यूब, हाँ क्यू की वजह, हाँ क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आए, मतलब जितना भी ये जो डिस्टेंस है वो रहेगा बराबर ना, के क्यूब आए जैसे आर वन स्क्वायर, ठीक है, इस तरह। फिर माइनस क्यू की वजह से कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस होगा, और फिर दोनों को क्या करेंगे अपन, सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपन एक्चुअल में सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाता है ना क्वेश्चन, सिमिलरली सपोज कोई बोला एक मेरा नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट है, जिसका मैंने बोला कि ये एक 10 सेंटीमीटर लेंथ का मैग्नेट है, ठीक है, और मैंने बोला सेंटर से इधर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग से वजह से, नॉर्थ की वजह से अलग, साउथ की वजह से, नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगा, अवे, साउथ की वजह से कहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स, ठीक है, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज, तो नॉर्थ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, ये निकाल लेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, यहाँ से निकाल लेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, और फिर दोनों का क्या करने का, मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड टू साउथ पोल, समझ में आ रहा है, सेम, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ क्या रहेगा वही। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समझ में आए, क्वेश्चन दू मैं, एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं, तो दो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिर अपन जाएंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में, अर्थ मैग्नेटिज्म भी थोड़ा सा, अर्थ मैग्नेटिज्म यार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल आता है, लेकिन तभी भी आपको थोड़ा सा भी अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना दिमाग में डालना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट सर, ये वीक मिलने वाले है क्या, ये वीक का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सब ये है ना अपना 25th और 26th वगैरह सब कुछ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया, एक मिनट, ये चीज एक बार जस्ट एक चीज ना, एक चीज फटाफट नोट डाउन करके रखो, ये चीज आप नोट डाउन करो, ये बेसिक है, मतलब बहुत ही बेसिक है,
मुझे बताओ यहाँ पे ये एंगल, एक मिनट, थीटा ये एंगल है गाइस, थीटा जो है ये एंगल है, दिस इज दिस एंगल इज थीटा। तो एक बात मुझे बताओ थीटा की वैल्यू मतलब कि कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना होगा, इस एक्सिस पे कितना, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। हाँ, तो सपोज मैंने पॉइंट टी वन लिखा, तो पॉइंट टी वन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टी वन में थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो कॉस जीरो इज वन। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, याद है ना, म्यू नॉट मतलब टू एम डिवाइड बाई क्या, फोर पाई आर क्यूब ऑन दैट आर क्यूब, ठीक है। हाँ, और सपोज कभी मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बोला, इस पॉइंट पे पॉइंट पी टू पे 90 क्या होगा। और ये सेम चीज इलेक्ट्रिक में अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किया था, ठीक है, सेम चीज है। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, यहाँ पे लिखो मतलब ये फटाफट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको छोटा। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको तो जनरली मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, तो मैं इसका कंसेप्चुअली थोड़ा सा बता दूंगा क्या 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 याद रखना है इक्वेशन वगैरह, लेकिन ये बार मैग्नेट जो है उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट के दो या तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या सबके पास एच वर्मा है, क्या एच वर्मा लेके बैठे हो क्या सबके पास, है ना, मतलब कोई है नहीं ना कि इसके पास नहीं है एच वर्मा, अभी ऐसा नहीं है ना। तो एक्चुअली पार्ट टू खोलो, मैग्नेटिक ये परमानेंट मैग्नेट करके चैप्टर खोलो जरा, परमानेंट मैग्नेट पेज नंबर, मतलब डायरेक्टली अपन डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें पढ़ के आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन उसमें ही पढ़ के समझ में आ जाए आपको। पेज नंबर 260 खोलो जरा, पेज नंबर 260 खोलो गाइस, लिखे हो गया ना, लिखे हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट फटाफट। अपने को सिर्फ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताऊंगा मैं। पेज 260 खोलो सर। हाँ बोल सर, अभी मेरा नेट का कनेक्शन गया था, तो आप मेरे को बता सकते हो अभी आपने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P1 एंड P2। नहीं, P1 मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में P1 पॉइंट है, तो इसमें जब ये पॉइंट जो है, ये जो बी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो निकाल रहा है, देखो ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा, ये पॉइंट सपोज इधर होता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ना। हाँ सर, जीरो है तो थीटा जीरो डालेंगे तो ये आंसर आता है। अच्छा, जब ये पॉइंट पी टू होता है, जब थीटा 90 होता तो ये आंसर आता है, ऐसा लिखा है। ओके, पी टू का पेज नंबर 265 ना, 260 जो एग्जांपल 36.4 दिया है वो सॉल्ट एग्जांपल। तो 260 में एग्जांपल 36.4 देखो जो सॉल्व किया हुआ है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा एकदम बड़े बड़े वाले क्वेश्चन नहीं आते, एकदम सिंपल वाले आते, जो एग्जांपल 36.4 देखो जो सॉल्व किया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया अपन ने, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में देखो क्या किया, 36.4 क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ मैग्नेट, देखो ये डाइपोल है ड्यू टू डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है 1.2, ठीक है, यहाँ पे एम्पियर पर मीटर, देखो एम्पियर मीटर की वैल्यू, ये क्यों लाया मैंने बोला ना, आई इंटू ए भी तो होता है, देखो ना यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे एक वो जो चीज होता है मैग्नेटिक, आई मतलब क्या एम्पियर, और एरिया मतलब क्या मीटर की वैल्यू, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे किया एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है
at a point 1 meter away from the center, मतलब with an angle 60 degree. तो ये angle 60 degree है और यहाँ पे देखो ये 1 meter है, मतलब ये बहुत बड़ा है, r बहुत अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है. तो अब इस केस में डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज हो गया, समझ में. 36.4 देखो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया ना वहां पे, root of 3 cos square theta plus 1 वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया हुआ है, ठीक है. अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको जहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. हेलो सर. अब बोलो सर, हम लोग को हार्वर्ड डायरेक्शन उसका डिसाइड दिखाना ही पड़ता है क्या? क्या दिखाना पड़ता है? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. हाँ, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड दिखाना पड़ता है ना. हाँ सर, वो ओके. डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है, अब यहाँ पे सपोज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड चाहिए तो एक फॉर्मूला था जैसे कि सपोज अल्फा है और एक थीटा है, तो वो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 वाला एक फॉर्मूला होता है. हाँ, और डायरेक्शन पूछा, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना. अच्छा हुआ तुमने बताया, तो ये भी अपने को करना है, ठीक है. अभी एक काम करो, तुमको जो बोल रहा हूँ उस पे जाओ, ठीक है. अभी डायरेक्टली पेज नंबर 271 पे जाओ, जरा पेज नंबर 271 पे जाओ, जरा सर. कौन सा एग्जांपल, 3 या 4? नहीं नहीं, एक काम करो, नहीं एक काम करो पेज नंबर 270 पे जाओ, पहले पेज नंबर 270 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पहले उस टाइप का क्वेश्चन. पेज नंबर कौन सा मैंने बोला 270, एग्जांपल 1. ये कौन सा एक्सरसाइज में सॉल्व किया, वर्कआउट एग्जांपल में से पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1 देखो. ठीक है, ये एग्जांपल जरा पढ़ो, ये एग्जांपल कौन सा आपको समझ में आएगा? इसमें आर इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन, देखो ये फॉर्मूला जो था ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है, देखो ना यहाँ पे सर, इधर एम्पियर मीटर दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज पोल स्ट्रेंथ. व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? वो प्लस एम, स्मॉल एम, प्लस एम ना. हाँ, स्मॉल एम, स्मॉल एम, एम 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 गिव. पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एम प्लस एम एंड ए माइनस एम, यहाँ पे एम की वैल्यू दी है, ठीक है, एज अ मैग्नेटिक लेंथ भी दिया है. पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको मतलब सॉल्व नहीं करना है ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, राइट. तो एम, एम की वैल्यू कितनी दी है गाइस, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल एम की वैल्यू दी है 3.6. क्वेश्चन पढ़ा तुमने एटलीस्ट एम्पियर मीटर, ठीक है. लेंथ की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है, कितनी दी है वो 8 सेंटीमीटर, जो भी 8 सेंटीमीटर. अब ये ऐसी रखो गाइस, क्योंकि शायद से ऐसा हो सकता है कि जो जेई में वगैरह या नीट में ये एल देगा, यहाँ पे एल बाय 4 वगैरह देंगे और एम के बारे में, एम के टर्म्स में ही आंसर आएगा, समझे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो सेंटर से, अब यहाँ पे देखो ना, ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये चीज कितनी होगी, ये चीज कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर. अब सेंटर से 6 सेंटीमीटर, मतलब इधर, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. हाँ, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. तो मुझे बताओ पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या निकालोगे? मैं अलग अलग चरण में लिखता हूँ, मैग्नेटिक ड्यू प्लस एम की वजह से इधर आएगा, बराबर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम की वजह से कहाँ पे आएगा? टुवर्ड ऐसे आएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम. अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो एम था, जो एम की वैल्यू थी एम, डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर स्क्वायर. हां, तो 2 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? हां, माइनस एम की वजह से क्या होगा? देखो कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है. म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या करेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई अपॉन 6 स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर. ये नहीं, 4 प्लस 4 कितना हुआ है? N होगा. 8 प्लस 2 10,
तो कितना अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम हुआ, माइनस एम हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? प्लस एम बी बाय प्लस एम माइनस बी बाय माइनस। समझ में आ रहा है? हाँ। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने कैसे किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है पूरा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, सेम टू सेम। तो ये बार मैग्नेट का एकदम सिंपल, बार मैग्नेट में जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, सेम टू सेम यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से करना। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर वर्कआउट एग्जांपल में 271, ठीक है, 271 पेज नंबर 271 आगे का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 सर। हाँ बोलो सर। उसमें अलग फॉर्मूला दिया इसमें। अरे वो छोड़ना, एचआर का सोल्यूशन कभी देखता है क्या कोई? नहीं सर, तो भी तो तू ये जो है वो कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन नंबर 6 सर, इसमें तो वेक्टर एडिशन से हो जाएगा ना। तुमको समझ में आया कैसे करना है इसमें भी? हाँ सर, इसमें वेक्टर एडिशन हो जाएगा। वेक्टर एडिशन से करना है, वेक्टर एडिशन से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज बताता हूँ कि क्या करना है। देखो इस केस में क्या करना है, ठीक है, बस भाई मतलब सारे के सारे बता दिए, फिर तुम लोगों का काम है खुद करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने एक ऐसा मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ वाला, और मैंने एक ऐसा मैग्नेटिक डायपोल रखा है नॉर्थ एंड साउथ वाला, ठीक है, दोनों अपना अलग है। इस पॉइंट पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मुझे होता है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मुझे होता है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तुमको कहां पे मिलेगा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड? ये सब वन पकड़ते टू पकड़, तो ये मिलेगा बी वन, ये तो आ जाएगा ना, तुमको सॉल्व करना आ जाएगा। ये निकल सकते ना आप लोग, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे इजी चीज क्या रहेगी, सपोज ये वाला जो लेंथ है ये छोटा रहेगा, ये लेंथ और ये जो डिस्टेंस सबसे छोटा रहेगा, तो डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना अपन B1 एंड B2 के लिए। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके B1 B2 निकालो, अपना काम हो जाएगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला? वो म्यू नॉट रूट ऑफ 3 cos का थीटा प्लस 1 वाला फॉर्मूला, समझे? सही, सब B1 और B2 के लिए सेपरेटली निकालने का है ना। हां सेपरेटली निकालना पड़ेगा ना B1 B2, ठीक है ना? हां सर, बाकी सब वेक्टर जैसे ये सब सेम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है सब। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन करते हैं ना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। कोई बोला सर सेवंथ करो, देखो सेवंथ भी तुम उसके चक्कर में मत देखो, एचएमएल का सॉल्यूशन घटिया होता है, तुमको हमेशा बोल रहा हूँ। सपोज नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, किसी ने बोला ये सर लेंथ एल है, इस लेंथ एल के ऊपर इधर इस पॉइंट पे मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इधर होगा। इसके वजह से कहां पे होगा? इधर होगा। फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा तुमको? वेक्टर एडिशन बीच में आएगा, वेक्टर एडिशन। तो इसमें बेसिकली जो भी एल एल है, एंगल 45 वगैरह सब दिया हुआ है, एंगल से लेके अपना वेक्टर एडिशन करो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझे? हां इजी है ये सर, इजी है। मतलब ये मतलब कैसे कि तुम्हारा जो भी है, मतलब ये तुमको निकालना पड़ेगा √2L वगैरह, और फिर ये लिखो इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखो, दोनों का वेक्टर एडिशन करो। वो जो वेक्टर एडिशन आया ही ना, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन में D² + L² सब कुछ दिया रहेगा ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम अपने दिमाग से करो ना, ठीक है? तो तुमको मुझे बताओ बार मैग्नेट समझ में आया? बार मैग्नेट सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बार मैग्नेट का एक और चीज होता है, ठीक है, एक और चीज होता है बार मैग्नेट का, वो होता है कि ये जो बार मैग्नेट है, जैसे हम लोग ने एक चीज बोली थी, कोई भी मैग्नेटिक, कोई भी लूप, मुझे तो कोई भी लूप बिहेव्स एज व्हाट? एनी लूप बिहेव्स एज बार बार मैग्नेट, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल डायपोल। हाँ भाई, कोई भी लूप बिहेव्स एज अ डायपोल। तो मुझे बताओ, कल मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? आई एफ
प्लस बी नहीं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है नहीं लूप को रखा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है जीरो हाँ लेकिन वही लूप को मैग्नेटिक फोर्स में रखा तो उसके ऊपर क्या आता है टॉर्क याद है ना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क की वैल्यू क्या होती है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैसे इसके एनर्जी भी कितनी होती है माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये था इन शॉर्ट अब यहाँ पे देखो अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे सपोज मैंने एक मैग्नेट रखा सब लोग सुनो ये प्लस है मतलब ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है अब इस नॉर्थ पोल साउथ पोल को आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे और थोड़ा सा ऑसिलेट होता याद है आपको ऐसा ऐसा करके हाँ जीरो डिग्री पे जाता स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जैसे कि सपोज ये वाला चीज है देखो मैंने पहले क्या किया ये मेरा इनिशियल पोजीशन था मेरा नॉर्थ पोल था ये मेरा साउथ पोल था ये मेरा इनिशियल पोजीशन है ठीक है अब मैंने इसको ऐसे ही रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी तो मुझे पता इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा इस नॉर्थ के ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा इधर राइट में ठीक है इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फोर्स पीछे जस्ट देखना मैंने प्लस एम और माइनस एम रखा प्लस एम डायरेक्शन में माइनस एम तो मुझे पता इसमें नेट फोर्स कितना हुआ इसमें जीरो नेट जीरो और वो स्टेबल है तो ये जो कंडीशन है ये वाला वो स्टेबल वाला है अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूं कुछ एंगल में छोटा एंगल में ऐसे थीटा में घुमाऊं तो यहाँ पे ये फोर्स आएगा ऐसे ये फोर्स आएगा ऐसे वापस इन दो फोर्स के वजह से ये क्या करेगा वापस जीरो डिग्री पे आएगा वापस जीरो डिग्री पे आएगा फिर उसको कुछ ना कुछ स्पीड मिला होगा तो वापस कहाँ पे जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा और जैसे ही इधर पहुंचेगा वापस इसके ऊपर ऐसा फोर्स आएगा ये इधर ऐसा फोर्स आएगा और कहाँ पे जाएगा वापस जाएगा और क्या करेगा वो क्या करेगा एंगुलर एसएचएम कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं अपन अब बेसिकली इसके ऊपर लिखता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं आई इनटू क्या लिखते हैं अल्फा अल्फा तो व्हाट इज टॉर्क टॉर्क क्या होगा एम क्रॉस बी तो एम बी क्या होगा एम बी साइन थीटा इनटू आई अल्फा समझ में आ रहा है सर टॉर्क बाय 2 भी आएगा ना अगर लेंथ एल है तो मैं एम की वैल्यू कर रहा हूं ना एम की वैल्यू फिर यहां पे मास एम इनटू लेंथ होगी ना अच्छा अब डायरेक्ट टॉर्क ये कैपिटल एम ये मैग्नेटिक मोमेंट है गाइस small m देखो small m capital m में confuse मत हो small m is what magnetic charge capital m is what magnetic moment यानी dipole moment ठीक है अब यहाँ पे मुझे तो alpha की value कितनी हुई m b by I sin theta मैं now theta is very small तो sin theta क्या बन गया theta तो alpha की value यहाँ पे क्या होगी m b by I into क्या होगी theta तो alpha is omega square theta याद है ना तुमको और ओमेगा अंडर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा क्या हो गया अंडर रूट ऑफ क्या एमबी बाय टाइम पीरियड अंडर ये फार्मूला भी बहुत ही बड़ा काम का फार्मूला है गाइस मतलब कोई भी एक बार मैग्नेट अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और थोड़ा सा उसको घुमाते हुए एसएचएम कर सकता है समझे विद दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π बाय को चाहिए तो समझ में आ रहा है तो टाइम पीरियड किसको बोला टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी 2π अंडर रूट आई बाय एमबी इसको लिख के ये बहुत ही काम का चीज है सर आपने पहले बोला था कि फोर्स कभी तो जीरो होगा ना हाँ फोर्स फोर्स नेट फोर्स जीरो ही तो है ना अच्छा हाँ ये ऑसिलेट करेगा ना हाँ सर हाँ वही मेरे को लगा आपने बोला कि वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो हो जाएगा टॉर्क नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही है नेट फोर्स तो हाँ जीरो है बस टॉर्क है ना ठीक है मुझे बताओ इतना ये समझ में आ रहा है इतना मैं जो बोल रहा हूं देखो इसको सर इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद वापस पीछे क्यों मुड़ेगा मतलब
अरे भाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन के ऊपर वो स्पीड आएगा ना उसको, ऐसा जाएगा ना नीचे, भूल गए कैसे जाएगा नीचे जाएगा ना, नहीं नहीं मेरे को लगा ऊपर, वही आपने वो ड्रॉ किया ना, तो फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे से वापस ऊपर, ऐसे कैसे होता है भाई, भूल गए क्या? वो समझा अभी समझा सर, नहीं वो आपने रेड वाला बनाया ना तो मेरे को लगा वो नीचे आके फिर वापस वो लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएगा, उसके लिए मैं पूछ लिया। नहीं देखिए ये पहले मैंने क्या किया, ये इनिशियल पोजीशन था इसका, ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन से इसको मैं यहाँ पे लेके गया, यहाँ से छोड़ा मैंने, तो ये पहले ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, फिर इसको यहाँ से वापस करेगा, ऐसे ही जाएगा, फिर ऐसे ही जाएगा, जाते रहेगा, समझा? हाँ हाँ सर, वो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा ना उसपे, वो तो चेक कर रहे थे, वो सेल्फ स्टडी का पार्ट है। ठीक है ना, ठीक है, अभी थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म करते हैं गाइस, आगे बढ़ूं मैं? बार मैग्नेट में इतना ही पढ़ने का हम लोग को, हाँ बार मैग्नेट में इतना ही पढ़ना है तुमको, अभी अर्थ मैग्नेटिज्म ज्यादा है ही नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म जाए अपन आगे। ठीक है, अब अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पे देखो, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ो, और फिर अपना एनसीईआरटी का और एचएमओ का चाहिए तो थ्री पढ़ लो बस, एचएमओ का थ्री कुछ ज्यादा दिया है, जो कुछ कुछ चीजें काम की भी नहीं है उसमें, इसलिए मैं जनरली एनसीईआरटी बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का करो। ठीक है, अब अर्थ मैग्नेटिज्म में ना थोड़ा सा कभी कभी मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, और फिर एक बार थ्री भी पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म में तीन टर्म बहुत काम में आते हैं, वो तीनों टर्म क्या होते हैं पहले देखो, पहले हमें यहाँ पे अर्थ को मतलब यहाँ पे अर्थ को बना दो, ये वाला सपोज अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मुझे बताओ ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है साउथ पोल, तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल पोल, जियोग्राफिकल पोल का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्थ, एग्जैक्टली यहाँ पे साउथ है, और अर्थ के ऊपर हम अपन खड़े, सपोज तुम यहाँ पे कहीं पे भी खड़े, तो मुझे बताओ तीन पॉइंट से क्या जाता है, दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाती है, तीन पॉइंट से क्या जाता है, प्लेन जाता है, प्लेन जाता है, प्लेन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोई भी, अरे मतलब एक प्लेन है ना, मतलब एक, ठीक है, तो बेसिकली एक मिनट गाइस, सिर्फ एक मिनट रुको जरा, मेरे को अभी थोड़ा सा याद है कि मेरे को सिर्फ एक मिनट दो मुझे,
ठीक है यहाँ पे देखो तो क्या बोला था मैं, तो जी देखो अर्थ है, ठीक है अर्थ है, अर्थ का ये इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और कोई भी पॉइंट जहां पे तुम खड़े हो, इन तीन पॉइंट से जो प्लेन जाता है, प्लेन के साथ तीन पॉइंट जाता है ना, उसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, ज्योग्राफिकल प्लेन, बराबर ना, सिंपल। अब इसको मैं एक नया नाम दूंगा, उसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे अपन इसको, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन। तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वर्ड। अभी ये सारा जो चीजें आपको पढ़ना है आज के आज ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, जिस किससे जाएगा कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपन खड़े थे पॉइंट भी पकड़ लेते हैं, तो इससे जो ऐसा मतलब मैं ऐसा मतलब नहीं यार, प्लेन जो जाएगा वो प्लेन तुम समझ लो, प्लेन जाएगा इन तीन पॉइंट से। अभी थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ अरे मतलब वो आपको कट ही करेगा ना, क्यों, क्योंकि ऐसा पकड़ना कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर, ये पूरा का पूरा अर्थ है। अब मैं कैसे इमेजिन करवाऊँ, यहाँ पे ऐसा कुछ स्फेरिकल बॉल टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैं होता तो देख एक ऐसे इमेजिन कर, एक स्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट जो प्लेन जाने वाला है वो प्लेन, सिंपल, ठीक है। नहीं वो अभी देखिए कि वो बॉल नहीं है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इन तीन पॉइंट जो प्लेन जाएगा उसको हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। अब होता क्या देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब मैं जो टर्म्स डिफाइन करने वाला हूँ वो टर्म्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग फायर लूप जो होती है, कोई भी करंट कैरिंग लूप क्या करती है, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये जो चीज मैंने बोली थी कि भाई करंट ऐसे जा रहा तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनता है, ये तुमको पता ही है, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ के अंदर, ये अभी तक प्रूव नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है क्योंकि अर्थ की कोर तक अभी कोई गया नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है मतलब क्या जो दिख रहा है उसको साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया, और एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि अर्थ के एकदम सेंटर पे बहुत मतलब लावा होता है, और लावा में बहुत सारे करंट्स होते हैं जो करंट घूमते रहते हैं, उस करंट के वजह से करंट लूप्स बनता है, और उसके वजह से ना पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म बनता है, ठीक है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा सा ये एंगल है एक ऐसे, और अर्थ इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे दिखेगा, जो मैग्नेट है कुछ इस तरीके से अर्थ का मैग्नेट दिखता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ ऐसे होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उल्टा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। अब मैं यहाँ पे ना वर्ड दूंगा, ये जो दो वर्ड होंगे ना यहाँ पे देखो, तो अर्थ का एग्जैक्टली मतलब जो मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक्चुअल में कहाँ पे होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, ये नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मैग्नेट एग्जैक्टली करेक्ट नॉर्थ नहीं है, ठीक है। तो इवन जो लोग घूमते हैं, मतलब जो लोग अपना ये लेके घूमते हैं, ठीक है, कंपास, हाँ नीडल, हाँ कंपास जो लेके घूमते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल जो लेके घूमते हैं, तो कंपास जो होता है वो एग्जैक्टली नॉर्थ पे ऊपर नहीं जाता, तो उसपे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वो लोग पहले से ही उसके ऊपर करेक्शन डाल के रखते हैं, करेक्शन ऑलरेडी करना पड़ता है। और मैं आपको बता दो क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली ये नॉर्थ है और ये सपोज साउथ है। अब इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, इन दो पॉइंट को नाम सही रखने के लिए, इन दो पॉइंट को अपन नॉर्थ पोल नहीं बोलेंगे गाइस, इसमें अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाहर मैग्नेट का नॉर्थ है ना, तो इसको मैं बोलूंगा जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। इसका नाम होता है जियो मैग्नेटिक, देखो ये जो पोल होता है जहाँ थोड़ा सा बाजू में है, इसको हम लोग बोलेंगे जियो मैग्नेटिक साउथ पोल ही बोलेंगे इसको, समझ में। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियो मैग्नेटिक कौन सा पोल बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में मुझे बताओ जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअल में मैग्नेट का कौन सा पोल होता है, साउथ पोल, साउथ पोल, इतना ध्यान में रखना, मैग्नेट का साउथ पोल होता है जो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, आप समझ जाओ, ठीक है। और ये मैंने ऐसा क्यों दिया, अब गाइस ध्यान में रखना, अब ये पॉइंट मतलब जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, और जो भी कोई पॉइंट पी होगा जिस पॉइंट पे अभी अपन खड़े हैं, इन तीन पॉइंट से भी तो एक प्लेन जाएगा भाई, इन तीन पॉइंट से भी तो एक प्लेन जाएगा ना, जो पॉइंट पी और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, और अपन जो खड़े वो पॉइंट, तीनों पॉइंट से भी एक प्लेन जाएगा, उस प्लेन को बोलते हैं, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट
क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन था ना, उसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है, कौन सा वर्ड है? जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में क्या हुआ ये वर्ड क्या हुआ? ये क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू वॉट? प्लेन पासिंग थ्रू वॉट? कोई भी पॉइंट पी ऑन द अर्थ सर्फेस, कोई भी अर्थ सर्फेस के ऊपर कोई भी पॉइंट पी, और कौन? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियोमैग्नेटिक, नहीं उसका पिच का एंगल हमेशा वो एंगल जो लिखा है यहाँ पे 11.0 डिग्री वो एंगल नहीं रहता। और ध्यान में रखना ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल गाइस सुनो सुनो, ये जो एंगल होता है ना कुछ ईयर्स में बदलता है, बदलता है मतलब ये एंगल चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। और ऐसा बोला जाता है पूरा का पूरा मैग्नेटिक रिवर्सल भी हुआ है, तो वो रिवर्सल होने को बहुत टाइम लगता है। सर मतलब करंट चेंज होते रहता है क्या जो फ्लो होता है अंदर पूरा टाइम? अब हाँ वो सब होता है क्योंकि लावा है ना वो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च चल रहा है। अपने को इतना डेप्थ में कभी पूछेंगे नहीं कि कितने साल के बाद होता है, कब होगा अगले वाला वगैरह सब कुछ, वो तो जियोमैग्नेटिक है। ये मतलब ये जो पार्ट है ये बस अपन जो अंदर जो मैग्नेट है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके जो पॉइंट्स पे कट करता है उसको मारा है जी। लेकिन एक्चुअल में जो मैग्नेट है उसका क्या होगा, वो उल्टा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। और ये रिवर्सल होते रहेगा, रिवर्सल होते रहेगा, तो कभी कभी इधर का नॉर्थ आएगा इधर, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि 5000 साल के बाद, 5000 ईयर्स के बाद शायद से ये इधर नॉर्थ पोल दिखेगा इधर साउथ पोल दिखेगा, लेकिन तब हम नहीं होंगे। तो अपने लिए क्या है भाई, यही है। ठीक है, जिन्होंने भी बुक लिखा है एच सी वर्मा या कोई भी बुक है उसके हिसाब से, तो वो तो जो 200-300 साल जो अपन जिए हुए उसमें तो अपना जो है यही है। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जाता था यहाँ पे भी, मतलब इवन जनरली ऐसा बोला जाता है कि जनरली एक अराउंड 10,000 पहले रिवर्सल हुआ था। अब 10,000 साल पहले कौन देखने गया था भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ होगा। ठीक है, तो 10,000 पहले ऐसा हुआ था, अभी ऐसे हो गए हैं। 10,000 साल मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया ना, अभी कब होगा वापस अपने को नहीं पता। ठीक है गाइस, तो ये चीज दिमाग में रखो। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब यहाँ पे ना जो तो दो तीन वर्ड जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, ये जो दो तीन वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, मैं बोला तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एक्चुअल पोल है, जियोग्राफिकल पोल, तो नॉर्थ एंड साउथ ऑन मेरा पॉइंट, इसमें से एक प्लेन जाएगा, कैसे प्लेन जाएगा ना, और यही पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं वो पॉइंट और मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उससे भी दूसरा प्लेन जाएगा। तो ये अभी थोड़ा सा आपको मतलब इमेजिन करना है, ये थ्योरेटिकल दोनों प्लेन के बीच का एंगल, तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ये जियोग्राफिकल प्लेन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, और यहां पे जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों प्लेन के अंदर का जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, सर हैंग हुए थे। हाँ वो एक किसी का कॉल आया था, मैंने उसको वापस रुका दिया। ठीक है, अब सेकंड देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया, और उसके बाद सेकंड टर्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप एंगल, डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये टर्म थोड़े से कंफ्यूजन है, डीप के साथ एंगल, तो डीप एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों सेम ही है। व्हाट इज डीप एंगल अभी? चलो अब थोड़ा सा ना मतलब ये थोड़ा सा ना मतलब मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा वो होता है। यहाँ पे देखो, सब लोग देखो गाइस, पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, एक ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, सुनो ये मैग्नेट है,
मुझे बताओ मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अब वो पॉइंट मतलब कहाँ पे है, और मतलब अपने को इंडिया ढूंढना पड़ेगा, इंडिया में अपना मुंबई ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे इंडिया मुंबई होगा। अब मुझे होता है इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, अब थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में देखो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो कौन से प्लेन में होगा बताओ मुझे, कौन से प्लेन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा इमेजिन करो ना यार, यहां से थ्री डायमेंशन सब कुछ निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो थ्री डायमेंशन में निकलता है पूरा का पूरा। तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ वो पॉइंट और ये मैग्नेट, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट दे रहा हूँ ना मैं, पहले अर्थ की मैग्नेट कर, ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेट है, सुनो, अब ये अर्थ का मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, अर्थ का ये साउथ है, और इस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, आगे यहाँ पे देखो इस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, तो इस पॉइंट पे ये जो पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन से प्लेन में होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में, जियोग्राफिकल जियोमैग्नेटिक, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि भाई जो भी अर्थ का मैग्नेट, जो भी अपना मैग्नेट है अर्थ का मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट के वो दो पॉइंट और अपन तीसरा पॉइंट उसे तो प्लेन जा रहा है ना कट, हाँ समझा, तो बेसिकली वो जो जो देखो थ्री डायमेंशन ही, सपोज ये अर्थ का मैग्नेट है, सुनो ये अर्थ मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट में ये नॉर्थ से साउथ ऐसा ऐसा सब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो सपोज मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी पॉइंट में होगा, इसी पॉइंट के थ्रू जा रहा होगा, मतलब उसी प्लेन से जो जा रहा होगा, वही तो जियो मैग्नेटिक मेरिडियन है, समझ में आ रहा है, यस सर, हाँ। अब मुझे बता इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, तो इस पॉइंट पे जो मुझे बता इसी प्लेन से जा रहा है आगे ऊपर नीचे जहीं पे भी जा रहा होगा, तो अब मुझे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा हो सकता है कि हमेशा की पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, वो तो कौन से पॉइंट्स पे होगा, देखो ये जो पॉइंट्स है कहीं पे, यहाँ पे अपन जो बंदा एग्जैक्टली मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा होगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, देखो यहाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पैरेलल रहेगा ना, पैरेलल टू अर्थ, समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे देखो मैं जो लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इन दो पॉइंट पे रहेगा, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे रहेगा वो पैरेलल टू सरफेस, बाकी सब जगह पे कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या बना रहा होगा, एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, हाँ। तो बेसिकली ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में देख रहा हूँ, ये हर एक जो चीज देख रहा हूँ कौन से प्लेन में देख रहा हूँ, कौन से प्लेन में देख रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में देख रहा हूँ, ठीक है, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में, ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में मैं देख रहा हूँ जिसमें एक्चुअल मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो बेसिकली किसके वजह से, अर्थ के वजह से, अर्थ अर्थ मैग्नेटिज्म के वजह से, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, द एंगल मेड विद व्हाट, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप एंगल, क्या बोलते हैं, समझ में, तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा किसी ने, तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, आपने जो अभी जो मैग्नेट बना है अर्थ के अंदर सेंटर के ऊपर वही है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, उसके बारे में बात कर रहे हो, आवाज गया, हाँ नहीं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब उसके उससे इधर से जो प्लेन जाने वाला है वही है ना अपना एंगल ऑफ डिप, हाँ हाँ हाँ, नहीं उसमें जो प्लेन जा रहा है ये प्लेन है, प्लेन के अंदर ही मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा ना, इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक प्लेन में होगा, हाँ सर, हाँ तो वही है ना, हम लोग समझा, एक मिनट रुको गाइस, कोई आया हुआ है, मैं मेरे को एक भाई खोलना पड़ेगा, एक बोलो सर, बोलो, हाँ बोल, मतलब हम लोग इसको इक्वेटर से मेजर करते हैं ना सबको, इंक्लिनेशन को सर, आपने जो ये जियो मैग्नेटिक, आप मेरे को एक बात बता, तू इस पे तुम ज्यादा तुम इसके ऊपर देखो, तुम सब इस पॉइंट पे हो, हाँ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे डायरेक्शन में हो सकता है, बराबर ना, हाँ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे यहाँ पे जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल, वो होता है ये डीप एंगल, समझा, हाँ समझा,
समझ में आ रहा है गाइस? सर मतलब वो पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देने का ना, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है। हाँ तो वो इस पॉइंट पे जो भी हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा ना वो हॉरिजॉन्टल वाला। हाँ सर ठीक है। तो ये तीन चीजें समझी क्या मैंने जो बोली अभी? मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक डीप एंगल, और दूसरा एंगल ऑफ क्या? डिक्लिनेशन। आज पढ़ो ठीक है। मैं क्विकली एक चीज बताता हूँ वापस। सर आपने वो जो येलो इक्वेटर बनाया है वो सिर्फ एग्जांपल, वो एग्जांपल के लिए बना ना मैंने। हाँ सर मतलब वो पॉइंट पे तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो मतलब थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा होगा ना। तो एग्जैक्टली होगा तो मुझे तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल में ना। हाँ सर समझा, वहाँ पे तो लेफ्ट को ही लगेगा। हाँ तो डीप एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर मतलब उस मैग्नेट को हम मतलब वो एक सर्कुलर लूप मान के ही चल सकते हैं ना। एक मिनट में ना वाईफाई शायद से ऑफ था, एक मिनट। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि मतलब हम उस जो हम लोग ने मैग्नेट बनाया ना अंदर अर्थ मैग्नेट, उसको हम एक करंट वाला लूप मान के वो जो थीटा है डिप एंगल वो निकाल सकते हैं ना हर पॉइंट पे। मतलब उसको सर्कुलर लूप कंसीडर करना है ऐसा? नहीं हाँ सर मैं वही बोला ना कि मतलब जो थीटा होगा वो आपने बोला जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे 90 होगा, तो फिर ये जो आपने अभी पॉइंट बनाया ना वो वहां पे भी एंगल मिलेगा। ठीक है अभी अभी करो एक काम करो हंसदांश, मतलब लोगों के वापस कमेंट आ रहे कि जब जब तू तुम्हारे हिसाब से जब सोचता है ना उसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं, तू इसके बाद खुद सेल्फ स्टडी कर उसका। ठीक है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो लोग को दिमाग में आता है ना तू कुछ बोलेगा लोग कुछ और सोच रहे होंगे, ठीक है तो कंफ्यूजन बढ़ता है, समझो। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल वाला चीज बताता हूँ, वापस बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, लेकिन अपना मैग्नेट जो होता है अर्थ का वो थोड़ा सा ऐसे होता है, जिसको ये सपोज ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, तो कोई भी पॉइंट पी होगा जिस नॉर्थ साउथ एंड पॉइंट पी से जो जो जियो जो प्लेन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। उसके बाद एक्चुअल में अपने अपना जो अर्थ का मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखता है, ये वाला मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये जो प्लेन अब कोई भी पॉइंट अपना अर्थ के ऊपर का कोई भी पॉइंट और ये जो दो पॉइंट होते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियो मैग्नेटिक साउथ और कोई भी पॉइंट उससे जो प्लेन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है तो दो वर्ड्स मैंने तीन वर्ड बता रहा हूं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, समझ में आया? उसके बाद कोई भी पॉइंट पे हम लोग खड़े रहेंगे, तो सपोज जैसे मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और सपोज अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे आ रहा है, ठीक है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक में ऐसा कुछ लिखा रहता है डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, समझ में आ रहा है? और ये अर्थ मैग्नेटिज्म, देखो ये अर्थ मैग्नेटिज्म ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इस अर्थ मैग्नेटिज्म का ये जो कंपोनेंट होता है इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? तो ये वाला मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ
समझ में आया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डीप एंगल दोनों सेम है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब ये चीज जो है आप वैसा का वैसा एनसीईआरटी से या अपने एक्सियोमा से पढ़ो, ठीक है, चाहे दिमाग मत। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते वो बताता हूं, इसके क्वेश्चन कैसे आते, जो क्वेश्चन काफी टाइम जेई मेंस में वगैरह पूछ चुके हैं, पूछते हैं, ठीक है, मतलब अभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आपको सबको मैग्नेटिक नीडल तो पता ही है, राइट, मतलब बार मैग्नेट। अब मुझे होता मैग्नेटिक नीडल में मैंने एक चीज बताई जो आपको पता है, आपके हाथ में मैंने एक मैग्नेटिक नीडल दी, मैंने बोला चलो यार एक मैग्नेटिक नीडल ले लो, मैग्नेटिक नीडल मतलब क्या, एक बार मैग्नेट रहेगा उसमें जो घूमता रहेगा जो डायरेक्शन दिखाता है, बराबर। अब तुमने एक तो चीज देख ली यार, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, अब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है ना, जब अपन अर्थ पे खड़े रहेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई बड़े बड़े मैग्नेट्स मैंने आजू बाजू में नहीं लगा है, तो ये कौन सा फील्ड होगा, कौन सा फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। हाँ, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक नीडल लाई और ये नीडल मतलब नीडल कुछ इस तरीके से होगी, तो ये नीडल कौन से डायरेक्शन में आएगी, हमेशा फील्ड के डायरेक्शन, भाई फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा ना, क्योंकि नॉर्थ इधर आएगा साउथ इधर आएगा, थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा थोड़ा एंगल में होगा, तो क्या होगा सपोज जो नीडल है ये थोड़े से एंगल में ऐसे होगी, ठीक है, थोड़े सपोज एंगल में ऐसे नीडल होगी तो क्या होगी बताओ मुझे, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। हाँ, लेकिन क्या है उसका ऑसिलेशन का डैम्पिंग करके मैंने ऑसिलेशन निकाल दिया तो किस डायरेक्शन में आने वाली है वापस वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मैंने डैम्पिंग करके उसका ऑसिलेशन निकाल दिया फ्रिक्शन विक्शन डाल के, तो बेसिकली किस डायरेक्शन में हमेशा आएगी, फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसे ध्यान में रखना, सर हैंग हो गया आप, जाती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाकर इधर हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल पहुंच सकते हैं, आप समझ रहे हो, लैग आ रहा है क्या सर, बीच में हैंग हो गए थे, बीच में हैंग हो गए थे, अभी आ रहा है आवाज, यस सर। तो वो जो नीडल होती है ना, वो नीडल बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाती है और उसकी वजह से हम उधर उधर पहुंच जाते हैं। अब होता क्या, देखो क्वेश्चन कैसे इसके ऊपर बनते हैं, नीडल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको आज से थॉट प्रोसेस बताऊंगा, इसको सोचने का थॉट प्रोसेस है, करना आपको है, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वो आपको करने हैं, मैं सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा। वापस में बता रहा हूँ, इसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि डेप्थ में जेई एडवांस डेप्थ में जाता है, जेई एडवांस का मटेरियल है ही नहीं है, ये जेई मेन नीट का मटेरियल है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात, पहले तो मुझे बताओ, ठीक है गाइस, पहले तो मुझे बताओ जहां पे मैं खड़ा हूं, सिर्फ मैं अर्थ में, अब ध्यान में रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, किसकी, अर्थ मैग्नेटिज्म, हाँ, तो मैं सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। अब मुझे तो अर्थ मैग्नेटिज्म की बात में सपोज कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, अब ऐसा पकड़ लो मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूं, तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूं, पैरेलल रहेगा, पैरेलल ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, यस, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मेरे पास एक छोटा सा नीडल, ये अर्थ मैग्नेट नहीं है, ये छोटा सा नीडल है, इस नीडल को लेके खड़ा हूं मैं, ये नीडल नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला नीडल है, समझे क्या, ठीक है। तो मुझे होता है इस नीडल को कैसे कैसे घुमा सकता हूं मैं, मतलब कैसे कैसे एक्सिस हो सकती है, एक ऐसे ऐसे घूम सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, और ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, कौन से एक्सिस हो सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग क्या, जेड एक्सिस, तो अलग अलग टाइप ऑफ रोटेशन हो सकते हैं, क्या कुछ एंगल में भी घुमा सकता हूं मैं, घुमा सकता हूं अलग अलग, देखो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस, ठीक है, मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस, और एक काम करो गाइस, मेरा मुझे पता नहीं वीडियो कैसे पिन करना है, मुझे आपको ना वीडियो पे देखना है, ये वीडियो पे देखना है, जब आप लोग बोलोगे तो एक काम करो, बोलो मत, तुम लोग सिर्फ वीडियो को देखो, मतलब बाकी लोग, मतलब यही वीडियो दिखता रहे लोगों को, ठीक है। तो गाइस ये ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ये नीडल ऐसे भी घूम सकता है और ये ऐसे भी घूम सकता है। अब मुझे बताओ सपोज हॉरिजॉन्टल में है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ऐसे हॉरिजॉन्टल में, सब वीडियो को देखो,
मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, और ये ऐसे करके मैं घूम रहा हूं, तो मुझे होता है ये मैग्नेट कैसे, मतलब ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट घूम सकता है, तो ये मैग्नेट कैसे रहेगा, नॉर्थ यहां पे रहेगा, साउथ यहां पे रहेगा, बराबर ना? हाँ, लेकिन वही सब चीज मैंने ऐसे की, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूम रहा है, उस केस में भी कैसे रहेगा, नॉर्थ ऐसे रहेगा, साउथ ऐसे रहेगा, ऐसे घूम रहा है तो इधर भी कैसे रहेगा, ऐसे ही घूमेगा ना, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे रहेगा, राइट, समझो ना आप यार, नॉर्थ ऐसे रहेगा, साउथ ऐसे रहेगा, सपोज मैं ऐसे भी कर रहा हूं तो भी क्या होगा, नॉर्थ ऐसे रहेगा, साउथ ऐसे रहेगा, लेकिन मैं इस प्लेन में दिख रहा हूँ, इस प्लेन में, तो मुझे तो क्या होगा, इस प्लेन में दिख रहा हूं तो सपोज ऐसे घूम सकते हैं फ्रीली, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट वगैरह मत देखो, इसमें मुझे बताओ, इसमें जहां पे भी रखूंगा ना वहां पे रहेगा वो, समझा, क्योंकि मेरी एक्सिस कौन सी ऐसी है ना, जहां पे भी मैं छोड़ूंगा उसको उधर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, घूमेगा ही नहीं, जहां पे भी रखूंगा वहां पे रहेगा, देख इधर क्या होता था, देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है, तो अलग अलग एक्सिस थी, अभी मैं थ्री डायमेंशन यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो अलग अलग एक्सिस थी, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, देखो इस डायरेक्शन में जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैं ऐसा घुमा सकता हूँ, देखो ऐसा घुमा सकता हूँ, तो अच्छी बात है ना यार, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मतलब मैंने नीडल को ऐसे रखा, तो सिंपल सी बात है, हमेशा नीडल कैसे रहने वाला है, ये नॉर्थ यहाँ पे रहेगा, साउथ ऐसे रहे हमेशा, ठीक है, लेकिन एक्सिस को कौन सी होगी, ये एक्सिस पे घूम रहा है तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है, लेकिन मतलब तीन एक्सिस है ना, एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी एक्सिस है, और एक कौन सी एक्सिस है, ऐसी वाली एक्सिस है, अब ऐसे वाले एक्सिस में भी रखा मैंने, तो भी नॉर्थ कहाँ पे आएगा, नॉर्थ कहाँ पे आएगा, इधर आएगा और साउथ यहाँ पे आएगा, ऐसा ही रहेगा, तो इधर भी वो मतलब कोई भी डायरेक्शन में मैंने रखा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आने वाला है, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे भी रखा तो भी वो ऐसे ही आने वाला है, लेकिन मेरी एक्सिस सपोज ये होगी, ये एक्सिस होगी, तो इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में मैं रखूंगा इसी डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा वो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं रखेगा उसी डायरेक्शन में उसको रहेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इधर और इधर घूम नहीं सकता, समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के लिए, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड पार्ट, ठीक है, वापस मैं इस पॉइंट पे हूं, अब मैग्नेटिक इक्वेटर नहीं है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कोई डायरेक्शन में, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे नीचे, तो अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में, और मैं हॉरिजॉन्टल में रख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ऐसा कोई घूम रहा है कुछ फर्क पड़ेगा इसको, नहीं सर, नहीं, ये कौन से डायरेक्शन नहीं पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा बताओ मुझे, कौन से डायरेक्शन में रहेगा, सपोज ये हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है तो कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डीप एंगल है, डीप एंगल है ना, कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, कॉस, तो मुझे बताओ जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है इस कंपोनेंट में, तो किस डायरेक्शन में रहेगा वो, राइट में, और मुझे बताओ इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया, और किसी ने बोला कि इसका टाइम पीरियड ढूंढना है एसएचएम का, तो इसमें टाइम पीरियड में जो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसमें कौन सा क्या चीज यूज करेंगे फिर हम लोग, कॉस थीटा आ जाएगा, बी कॉस थीटा, हां इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज करने वाले अपन, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी, हां सर, यस सर, थॉट प्रोसेस समझ में आई, थॉट प्रोसेस समझ में आई, कब में रखा है, जब मेरा ये जो चीज है ये कहां से घूम रहा है, कहां पे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है, तब की बात है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है, इसके दो कंपोनेंट है ना, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है ना इसका, और एक कौन सा कंपोनेंट है, जो बी साइन अल्फा है, बी साइन जो भी है, डीप एंगल, ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट इसको, इस मैग्नेट को वैसे लाएगा, कौन सा कंपोनेंट लाएगा, सपोज इफ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मैं इस मैग्नेट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कौन से प्लेन में घूमने के लिए, कौन से प्लेन में घूमने के लिए, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग, ओरिजिनल प्लेन में ही ये घूम सकता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा सर, सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग दिस मैग्नेट टू मूव टू रोटेट इन विच प्लेन, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका एक्सिस जेड एक्सिस है भी, बराबर ना, तो इस केस में इस मैग्नेट के ऊपर कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, इसका एक्चुअली मैग्नेट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, ओरिजिनल कंपोनेंट काम में आएगा, समझ में आया, चलो अब मैं काम करता हूं,
ये मैग्नेट से घूम सकता है ये वर्टिकल प्लेन में, देखो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा इस केस में? साइन वाला, साइन वाला वर्टिकल कंपोनेंट, समझ में आया। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा बाजू में करूं और घुमाऊं तो फिर उसमें टाइम पीरियड में कौन सा इक्वेशन आएगा, बी कौन सा आएगा? वर्टिकल। वर्टिकल समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है गाइस? ये वीडियो आपके पास रहेगा, वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप देख सकते हो इसको। हाँ लेकिन वीडियो में यार, इस वीडियो में वो छोटा होगा ना बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मैंने ये निकाल देना चाहिए था क्या, पीछे वाला स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है सर, पिन कर सकते हैं। समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझ में? सर फिर से हैंग हुए थे। नहीं मुझे तो अभी समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला। हाँ वो समझा पर अभी बीच में हैंग हुए थे वो बोल रहा। और कोई ओके वो हैंग हो रहे, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी हैंग तो होते रहेंगे। ठीक है अब ये वाला एक्सिस हो गया, ये वाला एक्सिस हो गया, सपोज मेरे इस वाले एक्सिस में घुमाए तो ऐसे वाले भी घुमाए तो बताओ क्या होगा, इस एक्सिस किस डायरेक्शन में आएगा? अब मैं जो घुमा रहा हूँ वो कौन से प्लेन में घुमा रहा हूँ, प्लेन कौन सा है? फिर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में घूम रहा है। देखो ना मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो ना अभी ये जो मेरा ये जो प्लेन है जो मैं दिखा रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, तो मुझे बताओ कौन से प्लेन में घुमा रहा हूँ मैं मैग्नेट को? मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो ना एक्सिस कैसे है, एक्सिस ऐसे। अब मुझे बताओ ये कौन से डायरेक्शन में आएगा? सीधा सीधा बी के डायरेक्शन में मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में रखता हूँ मैं उसको तो सीधा का सीधा ये कैसे जाने वाला है? ऐसा जाने वाला है नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो मैंने अभी बताया ना इसके ऊपर काफी अच्छे खासे क्वेश्चन जेई मेन में बनते हैं, समझे? और फॉर्मूला एक ही भाई, टाइम पीरियड जो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, बस वो यूज करो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2/√iMBH और इसके ऊपर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। प्रीवियस जेई मेन के एंड नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए, जेई मेन में ज्यादा पूछते हैं, नीट में एकदम सिंपल सा पूछते हैं थ्योरेटिकल, जेई मेन में थोड़ा सा ऐसा घुमाने वाला वगैरह पूछेंगे। ठीक है तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर जाके क्या करो, एनसीईआरटी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है हाँ अब मुझे बताओ किस तरह, तो मुझे बताओ कि नॉर्थ पोल के ऊपर जाके, देखो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ के ऊपर गए, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ के ऊपर और ऐसे ओरिएंटल में, मुझे तो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सीधा कैसे होगा? ऊपर डायरेक्ट वर्टिकल ना, सीधा ऐसे होगा। तो मुझे बताओ मैं ओरिजिनल में ऐसा घुमा रहा हूँ तो ओरिजिनल में तो कुछ फायदा होगा क्या उसको, कुछ अफेक्ट होगा क्या ओरिजिनल होगा? नहीं सीधा ही रहेगा, नहीं होगा। हाँ लेकिन वर्टिकल में कह रहा, तो वर्टिकल में ऐसे ऐसे घुमाए तो सीधा ऐसे घूमेगा भाई। मैग्नेट जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे गया जहाँ पे, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल पे गया जहाँ पे सीधा ऐसा ऐसा जा रहा है, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पे तो ऐसा जाएगा। ठीक है और नॉर्थ पोल होता है, आपको समझ में आना जो भी है, समझ में आया। सपोज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, जियोमैग्नेटिक साउथ पे जाके मैं घूम गया और मैंने मैग्नेट को ओरिजिनल पे घुमाया तो जहां पे रखूंगा वहां पे रहेगा, लेकिन मैं ऐसे करके रखा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में वो रहेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर वो थोड़ा सा मैंने ऐसे करके ऐसे घुमाया तो ऐसे 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 करके होता है वो, सिंपल सर। जियोमैग्नेटिक साउथ पे नीचे की तरफ आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड? हाँ वही 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 मैं वही इसलिए बोला ना, जियोमैग्नेटिक साउथ जो है वो एक्चुअली वर्टिकल आएगा क्योंकि उधर एक्चुअली मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, समझे? समझो अभी ये वाला जो मैंने अभी बताया ना गाइस, ये जो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बताया, एचसीएल में नहीं दिया है तो ये मेरे को आपको वीडियो में ही मेरा वीडियो थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि ये जितने भी मैंने जेई मेन के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में मैंने देखे हुए थे वो सारे क्वेश्चंस के टाइप मैंने बताया कि इस तरीके से सोचना है। ये एक बार आपकी सोच आ गई ना, ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ना, ये सारे जेई मेन के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, या जहां जहां पे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हुए। ठीक है हाँ तुम लोग ने किए हुए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है अभी मुझे बताओ, इतना अभी तक कोई दिक्कत है जो मैंने बताया है? नहीं सर। ठीक है नहीं सर, एक मिनट मुझे देखने दो कि कुछ मैंने छोड़ा है क्या, इसी और ना मेरे को सर।
सर गॉस लॉ बाकी है हाँ, अभी एक काम करना है गाइस। हाँ, एक मुइंग कॉइल गैनोमीटर बचा हुआ है, वही मैं अभी बताने वाला था, ठीक है। अब एक छोटा सा मूविंग कॉइल गैनोमीटर कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल इजी है। सो नाउ व्हाट इज मूविंग कॉइल गैनोमीटर, किसने किसको पता है व्हाट इज मूविंग कॉइल गैनोमीटर, क्या होता है मूविंग कॉइल गैनोमीटर? मैंने आपको एक बोला था गैनोमीटर क्या होता है, जिसमें से करंट जाता है, ठीक है। और करंट जाने की वजह से क्या होता है, मतलब सपोज कोई भी कॉइल से करंट गया, तो मैंने क्या बोला, मतलब गैनोमीटर क्यों यूज करते हैं, जैसे करंट जाता है नीडल डिफ्लेक्ट होता है और डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, बराबर। डिफ्लेक्शन मेजर करते अपने को रीडिंग देता है, फिर गैलोनोमीटर को हम लोग एमीटर में यूज करते हैं या फिर अपन उसको वोल्टमीटर में यूज करते हैं। तो गैलोनोमीटर कॉइल कैसे रहती है, आपने देखा होगा, ये सपोज ये गैलोनोमीटर की कॉइल होगी कुछ इस तरीके से, इसमें से करंट ऐसे जाएगा। अब ये कॉइल को हम लोग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में रखते हैं इस तरीके से। अब कॉइल का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कॉइल जैसी घूमती है, ठीक है, जैसी घूमती है वो कुछ एक स्प्रिंग को लगी रहती है और मतलब एक नीडल को लगी रहती है, जैसी कॉइल घूमेगी वो नीडल भी घूमेगा और वो रीडिंग दिखाए, कुछ एंगल रोटेट करेगा वो, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो मुझे ये करंट कैरिंग लूप हो गई, अब ये सर्कुलर भी देख सकते हैं अपन, कुछ कुछ लोग इसको सर्कुलर मतलब दिखाते हैं या रेक्टेंगुलर टाइप में भी दिख सकते हैं अपन, जो आपको चाहिए, राइट। अब मुझे बताओ टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, इसके ऊपर जो टॉर्क आने वाला, जैसे करंट गया, जैसे करंट आ गया टॉर्क कितना है, मैग्नेटिक फील्ड बी बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये तो वही रहेगा, वो तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के वजह से रहेगा, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क कॉइल के ऊपर, वो क्या होगा, एम क्रॉस बी आएगा, राइट, एम क्रॉस बी आएगा। अब क्या होता है गाइस, आप ना प्रॉपर तरीके से देखोगे, मतलब एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो देखोगे ना, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से रहता है, मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल रहती है, ये कॉइल मतलब ये अभी टॉप व्यू है, टॉप व्यू, तो ये सपोज मेरा नॉर्थ है, मेरा साउथ है, तो आप देखो कि जिसकी जो फील्ड है ना, फील्ड एक फील्ड इज हमेशा, मतलब ये थोड़ा सा भी घुमा, ठीक है, अब ये थोड़ा सा घुमा, घूम के सपोज इधर आया, ठीक है, फील्ड देखो, फील्ड रेड वाला जो है ना फील्ड है, क्या दिख रहा है आपको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक हमेशा एरिया के क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या दिख रहा है, एरिया, मतलब एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एरिया वेक्टर है, देखो ना जब इधर रहेगा तो इसका एरिया वेक्टर ये रहेगा, एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ना मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, A into क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर नथिंग बट I into एरिया वेक्टर, याद है ना। तो इन दोनों का अंदर का एंगल हमेशा कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 90। ये मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है, बोर्ड में भी है बोर्ड में भी आपको पढ़ना है, तो बोर्ड की थ्योरी पूरी की पूरी लिखी है, थ्योरी रट डालो। अभी के लिए मैं एकदम सिंपल सा चीज बताता हूँ आपको क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है, मुझे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, एन वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। अब एक कॉइल ली अपन ने, एक कॉइल ली तो एन का वैल्यू कितना है, मतलब I into A और मैग्नेटिक फील्ड हो गया B और साइन 90, तो ये हो गया मेरा क्या, टॉर्क हो गया। अब इसमें सपोज इसी कॉइल के, एक कॉइल है, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स n लिए, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स मैंने n लिए तो कितने यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, टोटल टॉर्क कितना होगा, n। तो एक चीज दिमाग में रखो, ये जो टॉर्क होता है ना वो होता है, मतलब ये मैं अपने जब मैं मतलब अपने टाइम में पढ़ा तो बिना करके याद रखता था, बी आई एन ए, ठीक है, ये होता है टॉर्क मूविंग कॉइल गैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। और n इज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अब होता क्या है ना, जितना टॉर्क ज्यादा, ठीक है, कुछ चीज अपन ने देखी थी टॉर्शनल पेंडुलम वगैरह देखा था, टॉर्शनल वो आता है, ठीक है। सो दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस केस को हम लोग लिखते हैं, टॉर्क जो होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड टॉर्क इज इक्वल टू k थीटा, ऐसा करके लिखा जाता है। और टॉर्क की वैल्यू यहां पे b i n a होती है इज इक्वल टू k थीटा, ठीक है। तो ये जो मेरा इक्वेशन यहां पे मैंने आपको लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट की वैल्यू कितने, ठीक है, यहां पे करंट की वैल्यू कितने, करंट की वैल्यू आप यहां पे लिखोगे तो करंट की वैल्यू कितने,
के डिवाइड बाय क्या बी एन ए इंटू क्या थीटा है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली या थीटा इज इक्वल टू करंट, मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट बढ़ेगा उतना थीटा ऐसा करते जाएगा। और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये रिलेशन को आपको दिमाग में रखना है। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अरे ये मतलब ये आप लोग ये बोर्ड्स वाला चीज है, इसको आप देख लो, बोर्ड्स वाला चीज है। इसमें ना एक और टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है? सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल करंट। सेंसिटिविटी क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय आई जो होता है ना, थीटा डिवाइड बाय आई, ये सेंसिटिविटी होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? बी एन ए डिवाइड बाय क्या के, ये होता है सेंसिटिविटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ, और ये बेसिकली बोर्ड्स वाले लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बस क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और मैग्नेट्स के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नेट्स के ऊपर कोई दिक्कत है? ये बार मैग्नेट के ऊपर जो थोड़ा सा ना, ये इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, मतलब ये मेरा वीडियो वापस देख लो चाहिए तो, ठीक है गाइज? अब एक काम करते गाइज, जो क्वेश्चन सोल्विंग है, जो क्वेश्चन सोल्विंग मेरी बची हुई, मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट खत्म, मतलब खत्म हो ही चुका है। सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो थ्योरेटिकल चैप्टर बचा हुआ है वो मुझे पढ़ाने के पहले आप एक काम करो, एच सी वर्मा से खुद पढ़ के आओगे और मैं आपको अगले इसमें 15 टू 20 मिनट्स में आपको रिफर, एच सी वर्मा या एनसीईआरटी दोनों में से पढ़ के आओ, ठीक है? तो क्या है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर में मेरे को क्या है, थ्योरी क्या पढ़ाओ, ये पढ़ाना था इसलिए मैंने पढ़ाया, ये पढ़ाना था इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसमें व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, ये चीज है। और उसके थोड़ा सा इक्वेशन है, बस ये दो ही चीज है। लैंग्वेज में कौन सा थ्योरी अच्छा है? वही वही ससेप्टिबिलिटी वगैरह, वो मैं आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट का काम है, हार्डली 15 मिनट्स का काम है, आप पढ़ो हो जाएगा, ठीक है? सर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? क्या बोल रहे हो? सेंसिटिविटी आपने बोला ना, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, हाँ क्या इसका फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? थीटा बाय आई इक्वल टू थीटा बाय आई, थीटा बाय मूविंग कॉइल का सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय, मतलब एंगल एंड करंट, थीटा बाय सेंसिटिविटी बी एन ए डिवाइड बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल एंड के इज दैट्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट, मैं बोला ना टॉर्शनल पेंडुलम वाला चीज, मैं बोला था ए थीटा स्टेप्स, ठीक है? तो गाइस अभी इतना ही करते हैं हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट मैग्नेटिज्म खत्म है, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग वाला एक सेशन बचा हुआ है, वो मैं कल करूंगा, ठीक है? वो मैं कल करूंगा, कल अपना अराउंड एक 11:30 को मेरा लेक्चर होगा, वो अपन 2 घंटे का लेक्चर रख के मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे, मैग्नेटिज्म खत्म, फिर सिर्फ ईएमआई बचेगा, ईएमआई एसी, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई मेरा एक लेक्चर मुझे लगेगा ईएमआई के लिए, ठीक है? क्योंकि वो मैग्नेटिज्म का ही है, तो मैं आपको 3-4 दिन दूंगा ईएमआई के पहले, क्योंकि आपको मैग्नेटिज्म अच्छे से आना चाहिए ईएमआई के पहले, ठीक है? तो मैं 3 दिन आपको दूंगा, 3-4 दिन, उसके बाद अपन ईएमआई करेंगे, और उसके पैरेलल ही फिर वो सर मतलब अपना वे ऑप्टिक्स वगैरह कराने वाले। सर हम लोग को ऑप्टिक्स कैसे चलेगा? कौन सा ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आपका 11 के साथ चलेगा, वो चलने दो ना उसके स्पीड में, मतलब कल भी वेव ऑप्टिक्स। नहीं, वेव ऑप्टिक्स अलग चलेगा, वेव ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है, वेव ऑप्टिक्स जो है वो अलग है। हां सर, वो थोड़ा वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वो दिया था हम, वेव ऑप्टिक्स कौन बोला इंपॉर्टेंट है? वेव ऑप्टिक्स इजी है, वेव ऑप्टिक्स भाई मतलब दो इसका काम है, रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है? हाँ बोलो। आप HCV से मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे सकते हो होमवर्क के लिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म के लिए मॉड्यूल चालू है। मैंने खुद ने कुछ किए हुए, चलो ठीक है, मैग्नेटिज्म का मैं HCV और मगा देता हूँ, मैं ग्रुप में देखो आएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैग्नेटिज्म का प्रीवियस ईयर करेंगे तो भी चलेगा ना? कौन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का. हाँ पहले एचसीएल में तो खत्म करो यार. हाँ सर ठीक है. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. हाँ प्रीवियस ईयर में भी आइडिया आएगा लेकिन तुमको प्रैक्टिस करने के लिए एचसी वर्मा फटाफट खत्म कर दो. एचसी वर्मा में मैग्नेटिज्म के बहुत क्वेश्चन हैं. 3-4 चैप्टर दिया है एचसी वर्मा में मैग्नेटिज्म के. तो 3 चैप्टर्स तो अपन ने किए. तो बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसमें सिर्फ सॉल्ड एग्जाम्पल करो. मैं लिख के भेजता हूँ अभी एक मैसेज लिख के भेजता हूँ पढ़ो ठीक है. ओके सर थैंक यू. चलो चलो बाय.